जिला पुलिस द्वारा नाबालिगों के दस्तयाबी हेतु चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत गत 15 दिनों में 13 नाबालिगों को सकुशल रायगढ़ लाया गया है, जिनमें कई प्रकरणों में बालिकाओं पर घटित अनाचार के मामले में पास्को एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस द्वारा नाबालिगों की दस्तयाबी हेतु चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत गत 15 दिनों में 13 नाबालिगों को सकुशल रायगढ़ लाया गया है, जिनमें कई प्रकरणों में बालिकाओं पर घटित अनाचार के मामले में पास्को एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। थाना में गठित पुलिस टीम द्वारा नाबालिगों को छत्तीसगढ़ के रायपुर, महासमुंद, जसपुर, जांजगीर चांपा तथा दिगर प्रांत दिल्ली, आगरा, बेंगलोर, हावड़ा, संबलपुर से दस्तयाब कर लाया गया है। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह गुम नाबालिगों की अधिक से अधिक दस्तयाबी के लिए एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा को जिला नोडल अधिकारी व डीएसपी गरिमा द्विवेदी को सहायक नोडल बनाया है, जिनके द्वारा लंबित प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जा रही है। आवश्यकतानुसार टीमें पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दिगर प्रांत भेजा जा रहा है। वर्तमान स्थिति में वर्ष 2019 में गुम हुए नाबालिगों की दस्तयाबी 94% है। एसपी श्री संतोष सिंह द्वारा बरसात तक इस वर्ष गुम हुए नाबालिगों का दस्तयाबी प्रतिशत 90 से अधिक करने का लक्ष्य थाना चौकी प्रभारियों को दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने मुस्कान अभियान के तहत जिले को मिली सफलता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि समय समय पर पुलिस विभाग द्वारा अभिभावकों को इस बात की समझाइश दी जाती है कि वह अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, ताकि बच्चे अपने मन की बात खुलकर अपने माता पिता से कर सकें। जिले में जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी गुमशुदगी जब दर्ज की जाती है तो उसमें कंपलसरी धारा 363 IPC के तहत अपराध दर्ज किया जाता है, और कभी अगर कोई इसमें हमारे पास शिकायत आती है कि कोई महिला जो लड़की है, अगर कोई लड़की नाबालिग गुम है और उसके साथ कोई अनाचार या कोई उस तरह से अपहरण करके ले गया, तो उसमें और भी धाराएं हम लोग बढ़ाते हैं। पॉक्सो की भी धाराएं इसमें कई बार हम लोग लगाते हैं। समय समय पे ड्राइव चलाया जाता है ऐसे बच्चों को रिकवर करने के लिए, और थाने से जो ये अपराध दर्ज होता है उसमें कार्रवाई तो शुरू करते ही हैं। अभी पिछले क्राइम मीटिंग के बाद हम लोगों का फोकस ये है कि ईयर एंड में जितने बच्चे अब तक रिकवर थानों से नहीं किए गए, उनको एक ऑपरेशन मुस्कान के तहत स्पेशल ड्राइव में उनको रिकवर किया जाए। पिछले 15 दिनों में लगभग 16 बच्चों को रिकवर किया गया। इसमें अधिकांश बच्चियाँ हैं, 14 बच्चियाँ हैं, जिसमें 13 बच्चियाँ हैं, और ये जो रिकवरी हुई है इसमें टीमें आगरा, दिल्ली, उड़ीसा के विभिन्न शहर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहर, बेंगलोर और अन्य जगहों से ये टीमें गई थी, जहाँ से ये बच्चियों को रिकवर किया गया है, और इसमें अपराधियों को अरेस्ट करके जेल भी भेजा जा रहा है। और साथ साथ हम लोग की कोशिश ये है कि जिले में ऐसे जितने भी मामले पेंडिंग है जो थानों से नहीं निकल पा रहे, उसमें स्पेशल टीम द्वारा ऐसे बच्चों को रिकवर किया जा सके। बच्चों के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उनका विश्वास बनाए रखें। बहुत बार बच्चे अपने परिजन, माता पिता, दोस्त से बहुत ज़्यादा खुले नहीं रहते और अपनी समस्याएं शेयर नहीं कर पाते। कई बार छोटी चीज़ों पे भी वो नाराज़ होकर घर से बाहर चले जाते हैं। कई बार बच्चों के केस में हम लोग पाते हैं कि उनका कॉलेज या स्कूल में किसी के साथ उनका जब अफेयर रहता है तो उसमें भी बहकावे में वो लोग उनको बहका के कोई लेके चला जाता है, और वो अगर समय से ये बात अपने परिजनों को बताते तो परिजन निश्चित रूप से उसको रोकने का प्रयास करते हैं। हम लोग लगातार परिजनों को भी बताते रहते हैं कि बच्चों से संवाद बनाए रखें, और जब भी इस तरह की घटना हो, इस तरह का अपराध हो, तो पुलिस को तत्काल बताएं ताकि अपराधियों पर कार्रवाई किया जा सके। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।